मेवात के उमरा गांव के रहने वाले 27 वर्षीय आबिद की रीठट गांव के अड्डे के पास सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। परिवार के पास जब आबिद के मरने की खबर पहुंची तो पूरे परिवार में अचानक मातम पसर गया। पानी से भरे एक टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार आबिद को पीछे से इस कदर टक्कर मारी कि वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गया। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पिनौगा पुलिस ने आबिद के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार उमरा निवासी मृतक आबिद बाइक पर बैठकर देर शाम करीब 9 बजे अपने गांव के लिए लौट रहा था। जैसे ही वह रीठट गांव के अड्डे के पास पहुंचा तो एक पानी से भरे टैंकर ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में आबिद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टैंकर चालक लोगों की भीड़ को जमा होते देख मौके से भाग निकला। घटनास्थल पर जमा लोगों ने इसकी सूचना पिनौगा पुलिस को दी। पिनौगा से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। आबिद का नाम भाई, कौन सा गांव है इसका? उमरा। कितनी उम्र है? 27 साल। किस तरीके से इसकी जो मौत हुई है, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ भाई? यू जो रीठट को अड्डा है ना, वासु आधा किलोमीटर आगे गोहाना महल चलना पे हूँ, पानी का टैंकर से एक्सीडेंट हुई हुई। कितने बजे का हादसा था? यू है तकरीबन 9 बजे की बात, 9 बजे की शाम को। हाँ, शाम को 9 बजे की। बच्चे कितने इसके आपस के? एक ही बच्चा है जी। एक ही बच्चा? हाँ। किस तरीके से सूचना मिली आपको? हमको सूचना यूँ मिली है जी, हूँ एक खड्डा है उस रोड पे, डब्बू की टाल है वहाँ, वो डब्बू की टाल पे एक खड्डा है। बराबर में जब टैंकर आयो है, अल्लाह जाने वो टैंकर वाले ने साइड दाबो कहा है या कि हम ना कैसे कहा, हमने देखो ना है, बाकी वो टैंकर के नीचे आयो हुई। ये आबिद बाइक पे थे या पैदल थे, किस तरीके? ये बाइक पे बैठे हुए थे, पीछे बैठे हुए थे। हाँ, किधर की तरफ जा रहे थे? ये गुहाणा की तरफ आ रहे थे, गांव की तरफ आ रहे थे। टैंकर किधर से आ रहा था भाई? टैंकर की हमें तो बताड़ जो लगी है ना, परली तरफ से टैंकर आ रहा है। सामने से हुई है? हाँ, आमने सामने से नहीं, परली तरफ से। हाँ, दोनों उसी साइड से आ रहे हैं, सिकरावट साइड से, उसी साइड से टैंकर आ रहा है, उसी साइड से। हाँ, साइड दाबी है कि मेरे हिसाब से। टैंकर चालक जो है वो मौके से फरार है या पुलिस के? नहीं, मौके से फरार है, वो पुलिस के कब्जे में नहीं है। पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी ये कार्रवाई कर रही है, अभी तो वहाँ पहुँचे हुए हैं पुलिस के पास, वहाँ किनाऊ थाना में लगता नहीं है, वहाँ पहुँचे पड़े हैं भैया, पता नहीं अभी अभी तो हम। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? हाँ, अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? भाई हम तो ये मांग करते हैं भाई, सरकार हमारी मदद करे, और बाकी गरीब परिवार है ऐसा। काम करता था ये? ये बेचारा कुछ नहीं जी, आपसे पहले जेल की सजा ही काट रहा हो, आगे बात समझ में। खाने कमाने के लिए क्या इनका कोई धंधा नहीं, खाली जमींदार एक छोटा सो जी, और कुछ नहीं।